राधे राधे फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी वीडियो शाम से स्टार्ट है, तो ये देखिए आज पनीर की सब्जी बनी। पनीर दो प्याजा बना रहे हैं, तो ये आज हमारे पति देव जी खाना बना रहे हैं। आज वही बोले कि हम पनीर का सब्जी बनाएंगे, तो पनीर को अच्छे से वो फ्राई कर लिए थे, और फिर प्याज टमाटर हरी मिर्च जीरा का हमने तड़का लगाया था, और प्याज अच्छे से टमाटर गल गया था, नमक हमने डाल दिया था तो सॉफ्ट हो गया। उसे लहसुन अदरक गोलके का पेस्ट जो बना के रखते हैं वो डाल दिए, फिर हल्दी थोड़ा सा और नमक डालती हूँ, धनिया पाउडर डालती हूँ, फिर जीरा भुना हुआ डालती हूँ, तो वो डालती हूँ जीरा भुना हुआ, गरम मसाला अच्छे से भून जाता है, रस लगाती हूँ मतलब ग्रेवी जितना, उसके बाद ही वो जीरा पाउडर और गरम मसाला डालती हूँ। तो आज की पनीर दो प्याजा ये देखिए पनीर, इसमें शिमला मिर्च हम नहीं डाल लेते हैं, शिमला मिर्च भी अच्छा लगता है ना, लेकिन हमने बोले कि नहीं रहे तो इनको तो मैं मटर पर पनीर पसंद है, लेकिन हमें नहीं अच्छा होता है मटर पनीर में, फिर शिमला मिर्च पनीर में डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो पनीर दो प्याजा भी अच्छा लगता है। हमने रायता थोड़ा सा बना लेती हूँ, और बच्चे पार्टी के लिए आज पूरी बनेंगे, हम अपने लिए रोटी बनाएंगे, क्योंकि सुबह के लिए रोटी नाश्ता का बचा हुआ है दो चार को, और इस समय दो चार बनाएंगे तो मिला के हमारे पति देव के हमारा दोनों लोग हो जाएगा, बच्चे सब पूरी खाएंगे, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पूरी देंगे, सब ऐसा नहीं कि खाते नहीं, लेकिन थोड़ा और भी ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, नहीं खाते हैं। पनीर कड़ा करके सब फ्राई किए थे, बोले कि अच्छा लगता है, बस ये लोग का पूरी सब्जी है, साथ में तैयारी कर रही थी अपना, पूरिया बच्चे पार्टे के लिए सब्जी हो गई पनीर की, भुना जीरा काफी फायदेमंद है पेट के लिए, गर्मी का मौसम सत्तू के साथ काफी टेस्ट अच्छा लगता है, जीरा भुना बहुत पसंद पड़ता है, दही के साथ खाइए, नमक डाल के काला नमक जीरा भुना तो पेट के लिए बहुत ठंडा होता है। तो बस बच्चे पार्टे को भी पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो ये हो गया हमारा रायता, काफी चाय बता ही चुकी हूँ, और साथ साथ में किचन की साफ सफाई भी करती जाती हूँ, हमने कचरा जो भी कट किया था हटा लिया है, वहाँ पोछा लगा दिया क्योंकि अब हमें वही करना है, और साथ में हमारी पनीर की सब्जी भी रेडी हो चुकी है, जो हमने धनिया पत्ता कट करके डाल के अभी डाल दूंगी। पूरी करना स्टार्ट कर लेते हैं अब, फिलहाल तो पहले रोटी बनाऊंगी दो तीन, तो उसके बाद पूरी बनाऊंगी। तो आज का रात का खाना यही है, पसंद आएगा फ्रेंड तो लाइक करिएगा, और चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, और जिन नए वीडियो में बने हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो डाले से बाय, गुड नाइट, चलते हैं खाना, बच्चे पार्टी को दे रहे हैं खाना, उसके बाद हम
उत्तराखंड खाना तो पनीर प्याजा बना है, तो उसमें कसूरी मेथी भी पड़ता है, लेकिन हमारे पास जो भी था वही डाल के बना लिए, जो भी अवेलेबल था वही डाल के बनाया। कहते सब बच्चा पार्टी को खाना दे देते, फिलहाल तो उन लोग को खिला दे, उसके बाद हम खाएंगे। ये आज की थाली हमारी देख लीजिए, हमने सलाद का दिया, खीरा प्याज का रायता बना दिया, खीरा और प्याज का, और साथ में पनीर की सब्जी है, पनीर प्याजा, बस उन लोग को खाना दे देते हैं। मैं अपने लिए रोटी बनाई, मैं रोटी खाऊंगी, तो चलिए मिलते हैं, हम लोग को खिला दो उसके बाद। सब्जी कैसा बना है? अच्छा बना है। देखिए बच्चा बच्चे को खाने के लिए दी, हटा हाथ, तो ये लोग खाने के लिए बैठे, ये लोग खा ले तो उसके बाद हम बैठे। धुआं धुआं किचन हो गया पूरी के वजह से, आप हम पति देव भी हेल्प कर रहे तलने बुलने में, मतलब मैं देने गई तो ये तलने में लग गए। ये देखिए जो बैठ के खाने बनाने में आनंद है वो खड़ा होके नहीं, हमसे तो खड़ा होके बनता ही नहीं है, हमें बैठ के बहुत अच्छा लगता है, आराम मिलता है बनाने में। मेरे लिए रह रही है उसको नहीं जाएगा, चलिए बना लेते हैं। बनाने के बाद सारा किचन को साफ सफाई करना पड़ेगा, देख लीजिए कैसे फैला है सब जगह। ये देखिए जब बर्तन ला के धो के बर्तन रखेंगे वैसे ये सबको भी साफ सफाई कर ले, पहले सबको खिला ले पिला ले, उसके बाद है। हाँ आलू चना के सब्जी मजा, पनीर का बना है, पनीर प्याजा बेटी कह रही बहुत अच्छी सब्जी बनी है, सब कुछ सब चीज हम करके बनाए भूंजे, ये बीच बीच में सब हम खिला रहे थे, बाकी सारा तैयारी करके यही भूंज रहे थे, तैयारी हम किए हर चीज़ फ्राई व्राई यही किए, बताए ना आज यही बनाया सब्जी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।